नंबर थ्री, हमारे यूनिट वन एंड यूनिट टू हो गया नंबर थ्री. ओके, सी नेटवर्क फ्लो, बेसिक नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी. एज वी हैव सीन इन प्रीवियस ग्राफ, ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस एक्स वाई एट मोस्ट वन ऑफ द डायरेक्टेड एजेस. डायरेक्टेड एजेस कैसे होते, सपोज जो है वो ए से बी टू पास हो रहा है, एंड इफ यू हैव डायरेक्शन लाइक दिस, मतलब क्या होता है, दिस एज इज पासिंग फ्रॉम सी टू बी. ओके, सो दिस ग्राफ, दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज नोन एज एन ओरिएंटेड ग्राफ. ओके, और डायरेक्टेड विच हैज अ डायरेक्टेड एजेस. अब सी, यहाँ पे डायरेक्शन मिल रहा है कि ये ए से बी पे जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन मिल रहा है कि वो सी टू पे जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन मिल रहा है कि वो डी टू सी जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन मिल रहा है डी टू ए जा रहा है. सो अ डायरेक्ट अ ग्राफ विच हैज अ डायरेक्टेड एजेस फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम बी टू ए, दैट ग्राफ इज नॉन ओरिएंटेड ग्राफ. ओके, समझ लो व्हाट इज ओरिएंटेड ग्राफ. जिस ग्राफ में जो है डायरेक्टेड एजेस हो, डायरेक्टेड मीन्स डायरेक्शन बता रहे हो जो एजेस, दैट ग्राफ इज नोन एज एन ओरिएंटेड ग्राफ. Now see, so the oriented graph here we are considering as network, and the basic setup of network flow problem starts with an oriented graph and it is denoted by G. ग्राफ क्या होता है, जिस ग्राफ में डायरेक्टेड एजेस हो, राइट. तो यहाँ पे जो है ओरिएंटेड को हम क्या कंसिडर करते हैं, नेटवर्क कंसिडर करते हैं, एंड नेटवर्क फ्लो जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, ओरिएंटेड ग्राफ से, नेटवर्क से, विच है एजेस जी. ओके, इन ओरिएंटेड ग्राफ देर आर टू स्पेशल वर्टेक्स कॉल्ड सोर्स एंड सिंक. एक होता है और दूसरा होता है सिंक. ये जो है ये हमारा, इसको बोलेंगे नेटवर्क, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट ओरिएंटेड ग्राफ, बट यहाँ पे जो पर्टिकुलर इस नेटवर्क फ्लो में वी हैव टू कॉल इट एज अ नेटवर्क. ओके, तो इस नेटवर्क में जो है दो स्पेशल वर्टाइज होता है, सोर्स सिंक. सोर्स जो है उसको हम डिनोट करते हैं बाय एस, एंड सिंक जो है उसको हम डिनोट करते हैं बाय टी. ओके, ऑल द सी द सोर्स इज डिनोटेड एस एंड द सिंक इज डिनोटेड बाय लेटर. समझ में आ रहा है ये क्या है, नेटवर्क फ्लो है. इसमें दो स्पेशल वर्टाइसेस होते हैं, एक होता है सोर्स जिसको हम डिनोट करते हैं बाय एस, एंड दूसरा होता है सिंक विच इज डिनोटेड बाय टी. All the edges incident with source are oriented gone from the source. On the other hand, all the edges incident with sink are oriented with the sink. यहाँ पे कैसे होता है सी, All the edges incident with source. अब यहाँ से S से कौन कौन incident है बोलो, S से कौन कौन incident है बोलो. हेलो, आवाज आ रही है ना. हाँ, हाँ बोलो फिर, इंसिडेंट कौन कौन से है एस से. इनमें जो कनेक्टेड होता है वो, राइट. तो अब एस से कौन कौन से कनेक्टेड है, एफ बी एंड ई. तो एस से कौन कौन से इंसिडेंट हुए, एफ बी एंड ई. तो यहाँ पे जो भी एजेस है दैट इज इंसिडेंट विद सोर्स इंटेड गॉन फ्रॉम द सोर्स. अब गॉन देखो, यहाँ से एस से जो भी है एजेस यहाँ से जा रहे, सी यहाँ पे इसका डायरेक्ट इस वे, राइट. यहाँ पे भी एस से जो है एजेस जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहे, यहाँ भी एस से जो कनेक्टेड है इस डायरेक्शन, दैट इज द ओरिएंटेड गॉन फ्रॉम द सोर्स. बट सिंक के साथ क्या होता है, एजेस विद द सिंक आर ओरिएंटेड विद द सिंक. नाउ सी सिंक, राइट, इस डायरेक्शन में इस तरफ आ, यहाँ पे सिंक टी एंड दिस सी, यहाँ पे ए टू टी जा रहा है, यहाँ पे ओ टू सी टू टी जा रहा है, करेक्ट. तो सोर्सेस क्या होते हैं, सोर्सेस के तरफ से दूर जाते हैं दिस इन दिस वे, एंड सिंक के तरफ आते हैं, दैट इज नोन एज द एजेस इंसिडेंट विद द सिंक आर ओरिएंटेड विद द सिंक एंड दिस आर ओरिएंटेड
सोर्स। ओके एडिशनली ऑन देयर इज नॉन नेगेटिव कैपेसिटी ऑन ईच एज एंड इट फंक्शन कॉन्स्टेंट ऑन हाउ मच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द एज। तो ये जो यहाँ पे अभी सी नाउ दिस एज एस एफ, इसकी कैपेसिटी जो ये नंबर लिखा हुआ है ना, ये एस एफ की कैपेसिटी है। ओके एस बी की कैपेसिटी कितनी है 17, एस ई की कैपेसिटी कितनी है 41, ई डी की कैपेसिटी कितनी है 20 एंड इट इज डिनोटेड बाय सी ऑफ ई। अभी यहाँ पे अगर एस एफ की हमें कैपेसिटी लिखनी है तो यहाँ पे होगा सी ऑफ एस कॉमा एफ इज इक्वल टू, कैपेसिटी ऑफ एस एफ इज 27, तो इज इक्वल टू 27। ओके एसोसिएटेड विद द एजेस आर देयर कैपेसिटीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हैव टोल्ड यू कि नंबर जो भी एजेस पे है दैट इज इट्स कैपेसिटीज राइट। नाउ इफ यू हैव कैपेसिटी विल राइट इट एज सी ऑफ बी डी इज इक्वल टू, बी डी की कैपेसिटी कितनी है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बी डी 15 15। लाइकवाइज कैपेसिटी ऑफ ई बी इज इक्वल टू, एंड कैपेसिटी ऑफ ई टी इज इक्वल टू 56। ओके दैट्स हाउ यू डिफाइन द कैपेसिटी। ये क्या था, एक नेटवर्क है, इसमें एक सोर्स होता है एक सिंक होता है। सोर्स का कौन सा होता है, जिसके तरफ से सारे एजेस जो है पास होते हैं उसके तरफ से जाते हैं, दैट इज नोन एज सोर्स। अब अगर हम एफ को कंसिडर किए तो एफ सोर्स हो सकता है क्या, सी उसके तरफ से सारे जाने चाहिए। देखो यहाँ पे तो एफ के तरफ एक आ ही रहा है, यहाँ पे भी एक आ ही रहा है, यहाँ से एक जा रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे जो एजेस है उसके तरफ से जाने चाहिए, दे शुड गॉन फ्रॉम द सोर्स। तो एफ जो है वो सोर्स नहीं हो सकता। ओके लाइकवाइज हम ए को कंसिडर करेंगे तो ए सोर्स हो सकता है क्या, सी यहाँ पे भी ए के तरफ आ रहा है, नो आना एक भी नहीं चाहिए, यहाँ से एक जा रहा है, यहाँ से भी एक जा दो जा रहा है बट एक आ रहा है, तो ए जो है वो भी सोर्स नहीं हुआ। ओके एस सोर्स हो सकता है, क्यों, बिकॉज सी इसकी तरफ से तीनों एजेस जो है वो जा रहे हैं। देखो यहाँ से एस टू एफ हो रहा है, एस टू बी जा रहा है एंड एस टू ई ट्रेवल कर रहा है राइट। तो एस कैन बी अ सोर्स, लाइकवाइज ई सोर्स हो सकता है, ना सी ई टू बी जा रहा है, एक ई टू बी एक जा रहा है, ई टू डी भी जा रहा है बट एक ई की तरफ भी आ रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए, उसके तरफ से जाना चाहिए। सो ई इज ऑल्सो नॉट अ सोर्स। और टी में क्या होता है, उसके पास आना चाहिए ओरिएंटेड विद द सिंक। यहाँ पे सी दिस ए टू टी हो रहा है एंड सी टू टी हो रहा है, टी की तरफ ही दोनों भी एजेस पॉइंट कर रहे हैं, सो दिस इज नोन एज अ सिंक। अब अगर हम डी को कंसिडर किए तो डी सिंक हो सकता है क्या, डी के तरफ ना आने चाहिए पॉइंट, जो एरो है वो इस तरफ पॉइंट होना चाहिए। ओके तो डी भी जो है वो सिंक नहीं हो सकता है, इसीलिए वी हैव अ सिंक एस एंड टी। सी हो सकता है सिंक, एरो जितने भी है सब उसके सी के तरफ पॉइंट होना चाहिए, ये सी के तरफ पॉइंट हो रहा है, ये सी के तरफ पॉइंट हो रहा है, ये भी सी के तरफ पॉइंट हो रहा है, बट ये वाला जो है ना दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम सी, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सिंक। ओके हाँ नाउ सी द फ्लो इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 6.1.2। इन द फिगर द नंबर्स एसोसिएटेड विद ईच एज आर इट्स कैपेसिटी एंड द सम ऑफ फ्लो दैट पाई बेसिस ऑन दैट एज। यहाँ पे जो है उस डायग्राम में हमने सिर्फ एक ही देखा था नंबर जो होता था कैपेसिटी, जिसको हम क्या बोलते थे कैपेसिटी। अब अगर हम एस टू एफ देखें तो वी हैव 23 एज कैपेसिटी और उसके बाद जो 8 है ना दैट इज नोन एज अ फ्लो। ओके वैसे यहाँ पे एफ टू ए अगर हम देखें तो 24 इज नोन एज अ कैपेसिटी एंड 12 इज अ, व्हाट इज 12, फ्लो 4
फ्लो, करेक्ट. सी फॉर एग्जांपल, द एज ईडी हैज कैपेसिटी 20, ईडी है. सी यहाँ पे ईडी जो है उसकी कैपेसिटी है 20 एंड करेंटली इट कैरीज अ फ्लो ऑफ 8. ओके, वैसे ही इफ यू सी सी टू टी, इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 31 एंड करेंटली इट कैरीज अ फ्लो ऑफ, कितना फ्लो है उसका? वी आर सीइंग सी टू डी, इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 31 एंड फ्लो कितना है? 14 हाँ, 14. ओके, नाउ सी द वैल्यू ऑफ दिस फ्लो इज, अब अगर हम ये देख रहे हैं, सी एस हम सिंक का देख रहे हैं, सॉरी सोर्स का देख रहे हैं. पहले सी फर्स्ट सोर्स के कितने इंसिडेंट है, सोर्स से एफ है एक, बी है एंड ई है, करेक्ट. हमें ऐसे लिखना है फ्लो ऑफ एस कॉमा एफ प्लस फ्लो ऑफ एस टू बी प्लस फ्लो ऑफ एस टू ई. ओके, इज इक्वल टू, नाउ हमें सिंक का लेना है. सी यहाँ पे सिंक पे कौन कौन से इंसिडेंट है, ए टू टी एंड सी टू टी, राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्लो ऑफ ए टू टी कॉमा फ्लो ऑफ सी टू टी. अब सारे के फ्लो लिखना है, नॉट कैपेसिटी, वी हैव टू राइट द फ्लो. नाउ एस टू एफ का फ्लो कितना है, सी यहाँ पे फ्लो कितना है, अजरीम की आवाज नहीं एट आ रही है, 8, करेक्ट. प्लस एस टू बी का फ्लो कितना है, 9 9. प्लस एस टू ई का फ्लो जो है वो है 13. ओके, सो 8 प्लस 9 प्लस 13 कितना होता है, 9 प्लस 8 इज 17, प्लस 13 इज 30, थर्टी राइट, इज इक्वल टू. अब हमें सिंक का देखना है. ओके, अब यहाँ सिंक का फ्लो कितना है, 16. ए टू टी का फ्लो है 16, तो 16 प्लस सी टू टी का फ्लो जो है वो है 14, तो 16 प्लस 14 इज थर्टी इक्वल टू, हाँ 16 प्लस 14 इज थर्टी इक्वल टू 30. ओके, नाउ सी इसका भी एडिशन जो था वो 30 था एंड इसका भी जो एडिशन है दैट इज ऑल्सो 30. ओके, दोनों का जो सम होगा कैपेसिटी का और सिंक का दैट वुड बी इक्वल. ओके, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, सोर्स एंड सिंक दोनों का जो फ्लो था वो कितना था, इक्वल ही था. तो ऑब्जर्व दैट द सेकेंड कंजर्वेशन लॉ होल्ड दैट फॉर एग्जाम्पल वर्टेक्स बी, नोट दैट द फ्लो इन टू, अभी हम ऐसे वर्टेक्स बी का करेंगे. सी वर्टेक्स बी कहाँ पे है, यहाँ पे, राइट, वर्टेक्स बी. ओके, नोट दैट द फ्लो इन टू बी इज, अब फ्लो कितने हैं बी के, एक दो एक कैसे, छः छः फ्लो मतलब कितने आ रहे हैं उसके तरफ, कितने आ रहे हैं, एक तो ये एरो है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, करेक्ट. हाँ, ये दोनों तो उसके, हाँ, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये तीनों का हमें प्लस करना है. कैसे प्लस, एस टू बी प्लस ई टू बी प्लस डी टू बी, ये तीनों का प्लस करना है, इज इक्वल टू. अब सबके फ्लो लिखना है, कितने हैं, एस टू बी का फ्लो है 9 प्लस ई टू बी का फ्लो कितना है 5 प्लस डी टू बी का फ्लो कितना है, सिक्स डी टू बी, यस हाँ 6 ही है, 9 प्लस 5 प्लस सिक्स 6 इज इक्वल टू, एस टू बी का है 9 ट्वेंटी प्लस ई टू बी इज 5 प्लस डी टू बी इज 6 ही ओनली. 9 प्लस 5 कितने होते हैं, 11 प्लस 6 इज इक्वल टू 17. ओके, वैसे ही अब उसके दूर जितने जा रहे हैं बी से वो हमें देखना है, दूर कौन कौन से जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, बी टू एफ जा रहा है, देन बी टू ए भी जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में एंड बी टू सी भी जा रहा है. ओके, अब इसका प्लस करना है, 20 होता है मैम, 20 नाइन कैसे होता है, नाइन प्लस फोर, सिक्स 15 मैम 9 प्लस 5 यस 11 नाइन प्लस नाइन, सिक्स सॉरी, 15 20 9 प्लस 6 इज 15 प्लस 5 इज 20, या करेक्ट, मैंने क्या किया, 20. ओके, 20, सिक्स प्लस देन देन फ्लो आउट ऑफ बी, अब आउट ऑफ बी कितने फ्लो जा रहे हैं, देखो
बी से आउट, हाँ तो ये बी से एफ जा रहा है एक, ओके, आउट ऑफ बी एक ए पे जा रहा है, एंड देन आउट ऑफ बी एक सी सी पे जा रहा है, राइट करेक्ट। अब इसके तीनों के फ्लो देखना है हमें, अब इसका फ्लो देखो तीनों के क्या होगा, फोर बी टू एफ का फ्लो है फोर प्लस बी टू ए का सिक्स फ्लो है सिक्स प्लस बी टू सी का फ्लो कितना है 10, 6 प्लस 4 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। तो अभी जो फ्लो बी पे आ रहा है उसका भी सम था 20, एंड जो फ्लो आउट ऑफ बी जा रहा है उसका भी फ्लो कितना था 20, करेक्ट। तो दोनों जो है वो सेम आता है, दैट्स द कंजर्वेशन लॉ। ओके Now we are going to see the flows and cuts. See, asking the maximum value of a flow in a given network is a natural task. In other way, we want to find the largest number V0 so that there exists a flow fast of value V0 network. See, maximum value के साथ we also have to find the flow which have the value. उसके लिए first we have to see the वैल्यू, ओके, जो फ्लो जो भी फ्लो है उस सब सारे फ्लो में से जो मैक्सिमम वैल्यू किसने कितनी है, दैट वी हैव टू सी। देन उसके बाद अ सर्टिफिकेट वेरीफाइंग द क्लेम ऑफ ऑप्टिमैलिटी, विल सी द एग्जांपल ऑफ दिस एंड विल गेट नो। सी द एग्जांपल कैसे करना है, कंसीडर द नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम दी हुई है नीचे। लेट्स फर्स्ट कंसिडर द कट वी इज इक्वल टू L1 यूनियन U1, ओके। अब L1 क्या है, फर्स्ट विल सी दैट, सी L1 में है S F B E D, ओके, S F B E एंड D, इतना पार्ट जो है वो L1 है। देन U1 इज इक्वल टू A C T, इतना पार्ट जो है दैट इज U1, ओके। तो इसमें अभी हमें क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी फाइंड करनी है, ओके। अभी कैसे फाइंड करेंगे कैपेसिटी, सी हियर द कैपेसिटी ऑफ द कट इज सी ऑफ L1 कॉमा U1, ओके। अब L1 और U1 की कैपेसिटी, अब देखो ये वाला एक पोर्शन है एंड वी हैव टू फाइंड द यूनियन ऑफ U1, राइट। और ये वाला एक पोर्शन है, ये हो गया L1 एंड ये हो गया U1। अब हमें देखना है इस पार्ट में से इस तरफ कौन से एरोज जा रहे हैं, ओके। अब सी, एक तो जा रहा है F2A, ओके, तो ये एक लिखेंगे हम सी एफ टू ए। लाइकवाइज अब इस पार्ट से इस पार्ट में और कौन से एरो जा रहे हैं, ये एक जा रहा है बी टू ए, समझ रहा है, कैपेसिटी ऑफ बी टू ए प्लस। अब इस पार्ट से और कहाँ पे जा रहा है एरो, यहाँ पे सी पे जा रहा है, राइट। तो हमें वो भी लेना है बी टू सी, लाइकवाइज और यहाँ पे भी जा रहा है सी, यहाँ पे भी जा रहा है एक, सो डी टू सी, समझा कैसे लेना है। इस पार्ट से इस पार्ट में जो भी एरोस जा रहे दैट वी हैव टू टेक, ओके। अब कैपेसिटी यहाँ पे पूछे तो फ्लो नहीं बोलना है, कैपेसिटी फर्स्ट एफ टू ए का कैपेसिटी कितना है, 24 एफ टू ए की कैपेसिटी कितनी है 24, करेक्ट। देन प्लस बी टू ए की कैपेसिटी कितनी है 15 15, हाँ, प्लस बी टू सी की कैपेसिटी कितनी है 20 इट्स 20, प्लस डी टू सी की कैपेसिटी कितनी है 42 फोर्टी टू, हाँ। सो बाय एडिंग ऑल ऑफ दैट विल गेट द कैपेसिटी टोटल एज 101, ओके। ये हो गया हमारा आंसर। अभी हम अगर एक्स्ट्रा दिया वैसे यहाँ पे, सी व्हेन वी कंसीडर द कट वी इज इक्वल टू एल टू यूनियन यू टू, यहाँ पे एल टू यू टू दिया हुआ है, यहाँ पे जो एल टू दिया हुआ है दैट इज एस एफ बी ई, तो कितना पार्ट आएगा एस एफ बी एम ई, ये हो गया एल टू। देन यू टू जो है वो दिया हुआ है ए डी सी टी, ओके, ये इतना पार्ट जो है दैट इज यू टू। नाउ वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ एल टू कॉमा यू टू, ओके। अब फर्स्ट देखना है एल टू से यू टू में कितने डायरेक्शन है, सी बोलो अभी एल टू टू यू टू। अभी हमें कौन से देखने हैं वर्टाइसेस, और ये जो नोड्स दिए हुए कौन कौन से नोड्स देखने हैं, वहां पे बाद में तो बी ही था सिर्फ, राइट,
यहाँ पे हमें कौन कौन से नोड्स देखने हैं, एफ भी देखना है, बी भी देखना है एंड ई भी देखना है, बिकॉज ये सारे एंड वर्टाइसेस। अब बोलो मुझे कौन कौन से आएंगे। एफ हाँ एफ ए, ऐसे डायरेक्शन जो इस फ्लो जो भी है L2 से U2 की तरफ जा रहे, ऐसे एरोज देखने। ओके एक एक जा रहा है ऐसा एरो, करेक्ट। देन उसे आएगा, क्योंकि बी और क्या हो सकता है, लाइन से आओ यहाँ पे, अभी नीचे B2C भी हो सकता है एंड B2A B2D हो, BD होगा। ना। हेलो BD होगा क्या? ना। नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो है वो अपोजिट है। वैसे ही नेक्स्ट क्या होगा, ई और डी, ठीक है। अब इसके हमें कैपेसिटी लिखनी है, एक कैपेसिटी कितनी है 24, देन प्लस बी एक 15, 24 + 15 इज इक्वल टू 39, देन प्लस बी सी की कैपेसिटी देखनी है 20, 39 + 20 इज इक्वल टू 59, प्लस ED की कैपेसिटी देखनी है 20, 59 + 20 इज इक्वल टू 79। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटी ऑफ द कट L2U2 एंड L1U1। समझ में आया कैसे करते हैं ये? जो भी L1 दिया हुआ है उसको सेपरेट करना होता है एंड L2 को सेपरेट करना है, फिर दोनों जो हमारे सेपरेशन ब्लॉक्स है, इस ब्लॉक से इस ब्लॉक के जो भी डायरेक्शन है उसमें हमें क्या करना है, उस डायरेक्शन में फ्लोस कंसिडर करने हैं। समझ में आया? हेलो, L2 U2 क्यों लिए? L2U2 ऐसे ही कंसिडर एग्जाम्पल देने के लिए, इसका जो आंसर है वो यहीं तक है, बिकॉज क्वेश्चन में से यहाँ तक ही दिया हुआ है L1U1, ये हमने एक्स्ट्रा लिए करने कंसिडर समझने के लिए। और एक इसका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, L1 यूनियन दिया हुआ है, U1 दिया हुआ है, हमने इसमें से सिर्फ D को हटाया, रीम समझ में आया? यस मैम, समझ में आया। सोर्स एंड सिंक क्या होते हैं, समझ में आए? ओरिएंटेड ग्राफ, सोर्स क्या होता है, जहां से, पास होते हैं हाँ जहाँ सिंक जाते हैं। क्या होता है, हाँ सिंक क्या होता है, जिधर आते हैं हाँ, और सोर्स को यूजुअली किसे डिफाइन करते हैं, एस एस एंड सिंक को डिफाइन करते हैं पी टी, करेक्ट। ओरिएंटेड ग्राफ क्या होता है, ओरिएंटेड ग्राफ स्टार्टिंग में हुआ है, ओरिएंटेड ग्राफ अ ग्राफ विच हैज अ डायरेक्टेड एजेस, जिस भी ग्राफ में एजेस के बीच में जो डायरेक्शन दिया हुआ हो, दैट ग्राफ इज नोन एज एन ओरिएंटेड ग्राफ। और इसमें हम नेटवर्क फ्लो में देख रहे हैं, तो दैट ओरिएंटेड ग्राफ इज कंसिडर एज एन नेटवर्क। ओके, इन कैपेसिटी ऑफ फ्लो में डिफरेंस, जो फर्स्ट होता है वो कैपेसिटी होता है, सेकेंड जो होता है वो फ्लो होता है। ओके चल, वाह, कौन अभी ज्वाइन हुआ, हदिया, वेरी नाइस और हदिया।